हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 60। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित गद्यांश को आपको जो है पढ़ना था और जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका क्या जांचने के लिए अपने मित्रों की परीक्षा लेती है? तो उनका रहन सहन कैसा है ये जांचने के लिए अपने मित्रों की परीक्षा लेती है। लेखिका की मित्र कहाँ से सैर करके लौटी थी? तो जंगल से सैर करके लौटी थी। नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो इसमें देखिए, प्रश्न 2 में ये दिया गया है आपको कविता। अब इसमें पहला प्रश्न है, बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती है? तो आंसर गया रहेगा, माँ का स्नेह खो जाने के डर से। निष्प्रेगा शब्द का अर्थ क्या है? तो बिना इच्छा के हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्याकरण के प्रश्नों में पहला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? तो हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इनमें से पुलिंग शब्द बताना है, तो पुलिंग हीरा हो जाएगा। विधि का बहुवचन विधियाँ हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। उसके बाद पठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चुन्नू और मुन्नू ने फेरी वाले से क्या खरीदा? तो खिलौने खरीदे थे। रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा? ठीक है, तो उसने जानना चाहा था कि उसने खिलौने कितने में खरीदे। बच्चों ने खिलौने कितने में खरीदे थे? 2 पैसे में। रोहिणी की सोच में पड़ गई थी कि खिलौने इतने सस्ते क्यों हैं। नेक्स्ट देखिए, पठित कविता के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है, ये वाली कविता आपने बहुत बार पढ़ी हुई है। इस वाली कविता से पक्षी कैसे रहना पसंद करते हैं? खुले आकाश में उड़ना। पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे? पिंजरे में बंद होकर। पक्षियों को कड़वी निगोरी क्यों पसंद है? क्योंकि आज़ाद रहकर अपनी मेहनत से इसे पाया है। पक्षी किस प्रकार की तिल्लियों से टकराने की बात कर रहे हैं? कनक की। प्रश्न 6 है, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। खिलौने देखकर बच्चे क्या हो उठते थे? पुलकित हो उठते थे। खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स जो है सभी एक साथ कहाँ थे? समुद्र के किनारे। कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? बहती नदी में झरने का। कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जाएगी? स्वतंत्र होने की इच्छा। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 8 है, व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भिखारी को कुछ दे देना, कुछ जो है कौन सा सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन जो बेसिक विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं। नवग्रह शब्द में विशेषण का भेद जो है लिखें, तो नवग्रह में संख्या है 9, तो इसीलिए संख्यावाचक हो जाएगा। माता पिता समस्त पद में समास का भेद जो है वो पहचान कर लिखना है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पक्षी अपना मधुर गीत कब नहीं गा पाएंगे? तो पिंजरे में बंद होकर वो अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। पक्षी की अभिलाषा क्या है? आकाश की ऊंचाई या पाने की। कठपुतली ने अपनी इच्छा प्रकट कैसे की? गुस्से में या विद्रोह के साथ प्रकट की। ठीक है, नंबर 4 है, पाँव पर छोड़ देने का क्या आशय है? स्वतंत्र कर देना। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मिठाई वाला पाठ के लेखक कौन थे? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी। खिलौने वाले का गाना गली भर में मकानों में कैसे लहराता था? सागर की तरह। खंबे को कौन सी रातें अच्छी नहीं लगती हैं? बरसात की रातें। आसमान से गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गई थी? खंबे पर। उसके बाद प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किन 4 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने हैं? तो ये जो 5 प्रश्न हैं, ठीक है, मुरली वाला देखने में कैसा था, बच्चों से कैसे बात करता था, तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे। उसके साथ देखिए, प्रश्न 12 के 4 क्वेश्चन ये आपको दिए गए हैं, तो 4 का हम इनका करेंगे। पहला प्रश्न है, मुरली वाला देखने में कैसा था, उसके बारे में लोगों ने क्या अंदाज़ा लगाया? तो मुरली वाला देखने में दुबला पतला गोरा युवक था। उसकी उम्र लगभग 30-32 की थी और वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर, ठीक है, मुरली 2-2 पैसे में बेचता था। उसके बारे में लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि वह व्यक्ति पहले खिलौने बेचने शहर में आया करता था। मुरली वाला बच्चों से कैसे बात करता था? मुरली वाला बच्चों से सीधे संवाद नहीं करता था, लेकिन उनकी उत्सुकता को समझते हुए हंसी मजाक करता था। वह बच्चों को कहानियों और गीतों के माध्यम से प्रभावित करता था, जिससे बच्चे उसकी ओर खींचे चले आते थे। थर्ड है, रोहिणी उस फेरी वाले के विषय में जानने को इतनी उत्सुक क्यों थी? रोहिणी उस फेरी वाले के रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उसकी आवाज़ और तरीके ने रोहिणी के मन में उसके बारे में और जानने की उत्सुकता पैदा की थी। वह जानना चाहती थी कि वह किस प्रकार का व्यक्ति हो और उसकी असली पहचान क्या है। फोर्थ, लेटर बॉक्स को अपना महत्व क्यों लगता है? लेटर बॉक्स को अपना महत्व इसलिए लगता है क्योंकि वह संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का माध्यम होता है। उसे लगता है कि उसके बिना संदेशों का आदान प्रदान संभव नहीं है, इसलिए उसका काम महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है खंभा जमीन पर कैसे बैठता है। खंभा जमीन पर सीधे खड़े रहता है, उसकी मजबूती और स्थिरता उसके स्थान पर निर्भर करती है। उसे मजबूती से ज़मीन में गाड़ा जाता है ताकि वे स्थिर रह सके और गिर ना सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट है ये। पिंजरे में पक्षियों को क्या क्या कष्ट होते हैं। पिंजरे में पक्षियों को उड़ने की स्वतंत्रता नहीं होती, वे छोटे स्थान पर बंद होकर दुखी रहते हैं और प्राकृतिक जीवन से वंचित होते हैं। पक्षियों के सपने और अरमान क्या हैं। तो पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे स्वतंत्र प्रकृति में रहना और अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। तीसरा है पहली कठपुतली के मन में विद्रोह की भावना क्यों उत्पन्न हुई। तो पहली कठपुतली को अपने संचालनकर्ता की कठपुतली बनकर नाचने से तंग आ चुकी थी, उसे अपने जीवन पर खुद का नियंत्रण चाहिए था, इसलिए उसके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है लास्ट, कठपुतली कविता का सारांश लिखिए। ये तीनों हम कर चुके हैं, तो ये आंसर हो जाएगा कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरे के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है और वो सब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। तो ये सारांश हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक अनुच्छेद लिखना था, ठीक है, क्रिकेट का मैच, भारत का किसान या स्वतंत्रता दिवस। एंड 14 में आपको पत्र लिखना था। तो आई होप सभी बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। पत्र आपको आपके विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई प्रारंभ हो और इसके लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था, और बहन की शादी पर अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र आपको लिखना था। तो ये था स्टूडेंट्स आपके आंसर की के साथ, और जैसे ही इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी जिससे कि आपका पेपर चेक होता है और उस की के बाद कोई भी डाउट नहीं रहता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन ठीक है, तो वो जैसे ही आती है आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आई होप आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए और बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके सभी सैम्पल पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।